हर हफ्ते एक कीमो लगती है। पिछले मतलब 6-7 महीने पहले अभी कीमो लगी थी, रेडियोथेरेपी भी हुई थी, तो उस टाइम काफ़ी मतलब सही हो गया था, लेकिन अभी उनको जैसे लास्ट मंथ भी दिक्कत होने लगी थी खाना वगैरह खाने में, तो फिर वापस दिखाया था। गुड़गांव में है बहुत अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज चल रहा है, तो उन्होंने वापस से कीमो बोली है। कितनों कितनी कीमो बोली है मम्मी अभी? 7 कीमो आरटीमैक्स में चल रहा है। 7 कीमो लगेंगी, तो अभी शायद 4-5 हो चुकी हैं। आरटीमैक्स में चल रहा है। तो क्या होता है कीमो से ना उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, खाना वगैरह तो वैसे ही नहीं खा पा रहे हैं, खिचड़ी वगैरह ही खाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल में और मेरे आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉर्निंग हो गई है, मैं बना रही हूँ इडली और नारियल के मूंगफली की चटनी, क्योंकि आज है हमारा प्लान गांव जाने का, तो अब 2-3 दिन हम गांव में रहेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना दादी सा और दादू सा के लिए इडली बना लेते हैं। तो सांभर के लिए तो चीज़ें थी नहीं, है ना, और आज संडे है तो यहाँ पे संडे को मार्केट वगैरह सब क्लोज रहता है, तो फिर हमने सोचा इडली और चटनी बना लेते हैं। तो मम्मी बाकी का काम खत्म कर रही हैं घर का और मैं बना रही हूँ इडली और चटनी, उसके बाद हम जाएंगे फिर गाँव। कर ली है मैंने, नारियल पापा ने छील दिया है, तो अब चलिए चटनी बनाने की तैयारी करते अब गाँव। मम्मी छुप क्यों रहे? तो पापा गए अभी मार्केट में खड़े हुए हैं, पापा दादोसा के लिए जूस लेने गए हुए हैं और हम लोग अभी बस गांव जाएंगे, फिर आज देखते हैं खेत में भी जाएंगे आज पापा के साथ। बहुत मेरे को कितने साल ही हो गए, मम्मी मैं तो शादी से पहले ही गई थी, किसी उसके आज खेत में गई नहीं हूँ। 3.5 साल हो गए मुझे खेतों में गए हुए, आज आपको भी लेके चलते हैं। चाय मैंने बनाई है ये, अरे गई तो ना गई तो निकाल ले भाई से, बेकार ये दीदा नस कर रहा हूँ पर ये सारी ना ऐसी नस अब ना अब दवाई का सर तो दवाई बताओ आई को तो मेरा का सर ने तो मेरे का सही है तो भूल गया ने सिर का बाहर से ले आया सिर का बाहर गया ना आज दादी बोला लग गया ढूंढो तू परी क्या हो रहा है बूढ़े नाना के परी या हो गया अले 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 बेटा अले बेटा बुद्धि नाना बेटा अपने हाँ हाँ पकड़ो उंगली पकड़ो अरे परी बूढ़े नाना बेटा अपने हाँ मामा को दादा को फोन आवे है ना है अब तो खींच लेगी हाथ नहीं मुंह में लेगी ना मुंह में तो यार नहीं रे के जोर से खींच रही सर भाई ने जोर लगा के परी क्या कर रही था तू हाथ की नाम तो पहचान ला कि मेरा नाम से परी हाय परी तेरे नाम से तो दिन ब दिन पहचान आएगी को आज कितनी 20 है ना आज 21 है कल जाएगी 7 महीने की 8वां लग जाएगी हाय बाईली बाईली हाँ अब इनकी चंद मंडी से मुंह बनाने खाता है बेबी नो और के खूब बना दो हो जाएगा। मैं और मम्मी आए हैं प्लाट में पालक और गजरा तोड़ने, साग बनाएंगे उसका शाम को, तो पापा भी आ रहे हैं अभी, मिस्त्री आया हुआ किसी काम के लिए, तो तब तक मैं और
मम्मी आ गए, मम्मी बैठ गई है, पन्नी उड़ गई मम्मी की, मेथी तोड़ेंगी मम्मी और मैं तोड़ूंगी, मेरे पास भी पन्नी पन्नी। मैं मम्मी धनिया तोड़ू, थोड़ा सा ही ना, जितना अपन को चाहिए। मैं धनिया तोड़ लेती हूँ। ये देखिए शानदार गजरा लगा हुआ है, हा हा हा, मजा आ गया भैया। चलो भैया कोमल लग जाओ धनिया तोड़ने में। ये मेरी पन्नी, ये मेरा धनिया, क्या मस्त खुशबू आ रही है मम्मी धनिया में से। अच्छा फिर बड़ा बड़ा तोड़ ले, पेड़ को मत काटती। मस्त ना, धनिया फटाफट से तोड़ लिया, लेकिन मम्मी से नहीं हो पाया है अभी तक। हाँ मेथी तो ज्यादा तोड़नी पड़ेगी, मेथी मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ। कैसे तोड़नी मम्मी? देख ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे लेके। हाँ ठीक है, लेके ऐसे। ओके ओके, सीख जाएंगे हम, अभी सब कुछ सीख जाऊंगी मैं तो, वैसे ही बहुत फास्ट सीखती हूँ सब कुछ। और बड़ी हो जाएगी इतने मेथी सारी को ले जी। मैं जाऊंगी ना मम्मी जयपुर, तो देना मुझे खूब सारी। हाँ साग ले जाना, कई दिन तक खाना, फ्रिज में काट के रख लेना। मेथी तो मम्मी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेथी के परांठे। अपनी काट के घर पे ला लिया और रोज एक मुट्ठी घेर ले, रोटी बनाए परांठे बनाए। मैं और मम्मी बैठ गए अब, क्योंकि थके तो नहीं। खैर गजरा मेथी तो बहुत सारी तोड़ ली, लेकिन गजरा है ना वो छोटा, वो टूट नहीं रहा, तो पापा से भी बोला चक्कू लेके आएंगे वो घर से, फिर गजरा तोड़ेगी। तो अभी आपने आगे वाली क्लिप्स में देखा था कि दादोसा के पापा और काकोसा दोनों ग्लूकोज चढ़ा रहे थे, ग्लूकोज की बॉटल लगाई थी उनके। तो उसका रीज़न ये है कि मतलब दादोसा के कैंसर है, जो वोकल कॉर्ड और फूड पाइप होता है उसके बीच में है, तो उसी के लिए कीमो चल रही है दादोसा की। हर हफ्ते एक कीमो लगती है, पिछले मतलब 6-7 महीने पहले भी कीमो लगी थी, रेडियोथेरेपी भी हुई थी, तो उस टाइम काफ़ी मतलब सही हो गया था, लेकिन अभी उनको जैसे लास्ट मंथ भी दिक्कत होने लगी थी खाना वगैरह खाने में, तो फिर वापस दिखाया था, गुड़गांव में है बहुत अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ पर इलाज चल रहा है, तो उन्होंने वापस से कीमो बोली है। कितनी कीमो बोली है मम्मी अभी? 7 कीमो, आरटीमैक्स में चल रहा है। 7 कीमो लगेंगी, तो अभी शायद 4-5 हो चुकी हैं। तो क्या होता है कीमो से ना उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, खाना वगैरह तो वैसे ही नहीं खा पा रहे हैं, खिचड़ी वगैरह ही खाते हैं, तो इसीलिए ना बीच बीच में पापा और काकोसा ग्लूकोज की बॉटल लगा देते हैं, ताकि मतलब थोड़ी बॉडी में ताकत रहे, ज़्यादा वीकनेस नहीं फील हो। लेकिन मतलब हेड्स ऑफ है दादोसा को इस एज में आके, मतलब उनकी एज 78-79 के अराउंड हो रही है, वो मतलब 2-2 बार कीमो झेल चुके हैं, रेडियो झेल चुके हैं, नहीं तो हमारे जैसे आजकल के बच्चे भी मतलब नहीं झेल पाते। और एक दिन भी हमने मतलब लिटरली एक भी दिन हमने उनको ऐसे नहीं देखा कि वो ऐसे होता है ना बीमार हो जाते, हम लोग बेड पकड़ लेते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं, अरे मैं तो बीमार हो गया। दादोसा एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि खेतों में नहीं घूम के आए हैं या कुछ काम नहीं किया अपना रेगुलर वाला, कभी बेड पर नहीं लेटे कि भाई मैं बीमार हूँ, मतलब किसी को फील नहीं होने देते कि हाँ उनको इतनी बड़ी बीमारी है, तो और ना किसी को परेशान करते हैं जब तक उनको, मतलब खुद को भी अगर उनको परेशानी होती है तो भी ऐसे परेशान नहीं करते किसी को भी। तो चलो भगवान से यही दुआ है हमारी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो हैं तो सब कुछ है, हमारा घर परिवार है, बाकी भगवान है ही। तो आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, आप लोग सोचोगे कि तुम लोग घर पे ही क्यों डॉक्टर बन रहे हो, ये काकोसा और आपके पापा ही क्यों लगा रहे हैं ग्लूकोज और कैनवेला वगैरह, तो पापा भी और काकोसा भी दोनों भी और मेरे दादोसा भी और मेरे फूफो सा भी, मतलब जितने भी हमारे फैमिली में सब आर्मी में थे, रिटायर्ड हो गए, वो सब AMC में थे, आर्मी मेडिकल कॉर्प में, तो मेडिकल में ही थे काकोसा भी पापा भी,
तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का उन्हें मेडिकल का और हर चीज़ का, दवाइयों का, सब चीज़ों का। तो वो प्रोफेशनल्स हैं इसलिए वो घर पे कर रहे हैं, खुद से काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं खुद से। तो आप ऐसा ना सोचें कि हम घर पे क्यों डॉक्टर्स बने हुए हैं। तो आप सब भी प्लीज़ प्रेयर करना कि दादोसा जल्दी से ठीक हो जाएं और पहले की तरह फिट हो जाएं और हमारे साथ और अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर सकें और परी को बड़े होते देख सकें।